हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग यार। सभी को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग और हैव अ नाइस डे मेरे ऑल फ्रेंड्स को। कैसे हो आप सब लोग यार। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोगों के एग्जाम की तैयारी जो बढ़िया से चल रही होगी। और आप देख रहे होंगे ये माइक लगा हुआ है कि इस तरह से कैसे लग गया, आपके भाई ने नया लिया है। नहीं भाई, जुगाड़ क्या है यार, जुगाड़ करके बनाया। तुम्हारा भाई तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत आविष्कार करता था पहले, ठीक है। तो ये आविष्कार नहीं है, ऐसे बनाए, तार से बनाए, देखो जुगाड़ करके, सही है ना। वैसे मैं ना माइक यहाँ पे रहता था तो आवाज़ में थोड़ा दिक्कत होती है। सस्ता माइक है ना, पैसा नहीं है ना इतना भाई माइक लेने के लिए, ब्लूटूथ वाला, ठीक है। तो कमेंट में बताना कैसे लग रहा है, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग की बज रही है 6 भाई, और बारिश लगी हुई पूरी रात भर बारिश हो रही है, और अभी बारिश लगी हुई। वैसे मेरा काम था आज, मैंने टीरी जाना था, लेकिन अब ऐसे में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बारिश हो रही बहुत ज़्यादा। और आज तो एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं होगी सही तरीके से, लेकिन योगा वगैरह हो जाएगा थोड़ा बहुत, अंदर कर सकते हैं हम, है ना। मैं अभी मॉर्निंग में हमने क्या करना है, रिवीजन करना है जितना पढ़ा हुआ है पहले से। जब कोई भी किताब बुक आप खोलते हो तो पहले रिवीजन करो उसका, कितना आपने पढ़ा है, एक बार ही वो पढ़ के फिर उसके बाद आगे बढ़ो उसमें, ठीक है। तो चलो फिर, बाहर तो हमारा काम कुछ है नहीं आज, तो अंदर चलते हैं। आज फ्री हुआ हूँ भाई बहुत टाइम के बाद, ठीक है। तो चलो अपनी स्टडी शुरू करते हैं। वैसे सुबह सुबह आज तो बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से सोया रहा, और आपको तो पता है जब बारिश होती तो नींद कैसे आती भाई, एकदम मज़े वाले, हाय हाय मन करता है उठना ही नहीं है, सोए रहो, कितना आराम मिलता है, रिलैक्स। ओहो, वो भी गर्मियों में इतनी बारिश, तो मौसम तो अलग ही होता है ना। चलो छोड़ो, खैर अभी जब उठ गए तो भाई पढ़ना तो है ना। तो मॉर्निंग में देखो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो जिसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही है, ठीक है। तो मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को ही पढ़ना, ठीक है। और बाकी आपका जो टाइम टेबल हो कैसे होना चाहिए तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा, एक अलग से वीडियो ज़रूर बताऊंगा आप लोगों के लिए। शायद उसके बाद आपको पता चलेगा कि टाइम टेबल नहीं बनाना पड़ता है। हे दोस्तों, तो अभी नाश्ता वगैरह अपना हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट गजा, ठीक है। तो चाचा जी ने अकाउंट खुलाना है बैंक में, तो चाचा जी ने बोला कि मेरे साथ मार्केट चलो, और बारिश लगी हुई है तो ऐसी बारिश में भी हम जा रहे हैं। चाचा ने अकाउंट खुलवाना है अपना बैंक में, और बारिश लगी हुई है तो हम भीगते भीगते जा रहे हैं। चाचा ने बोला कि बारिश नहीं है चलो, तो इनके लिए बारिश नहीं क्योंकि छाता ला रखा, मेरे लिए बारिश है, ठीक है। तो चलो यार मार्केट चलते, टाइम भी हो गया, 10 बज चुके हैं यार। ना ना, तो चलो फिर दिखाता हूँ आपको अपना मार्केट। तो दोस्तों अभी हमें आधा घंटा और चाहिए मार्केट पहुँचने के लिए, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा बदला हुआ है भाई, कोहरा ही कोहरा हो रखा, आगे देखो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा, और ठंड लग रही ना तो खतरनाक भाई, इधर टी शर्ट पहन के आर का बताओ, इधर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिरती है गजा में यार। हे दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं बैंक में, और जल्दी से अपना काम करते हैं और चलते हैं यहाँ से यार। हे दोस्तों, तो अभी बैंक का काम है जो वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गई यार वहाँ पे, ठीक है। और अभी थोड़ा पहले बाइक सही करवाते हैं, तो सर्विस मांग रही गाड़ी, उसका क्लच है जो वो टूट गया, तो अभी उसे सही करेंगे और थोड़ा आपको मार्केट दिखाऊँगा मैं अपना, ठीक है। तो गाइस ये हमारा छोटा सा मार्केट, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तो कोहरा हट चुका है और हम मार्केट से घर आ गए। ये देखो कितना सुंदर व्यूज है, तो नेचर के मजे लो, ठीक है, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया व्यूज दिखाऊंगा मैं अभी नेचर के, ठीक है। हे दोस्तों यार, तो काम पड़ गया था, और अभी आप देख रहे हो भाई ये टीन का कलस्तर कनस्तर, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। सॉरी, ठीक है। तो तेल का टीन याद आ गया घर वालों को जब मार्केट गया था, ठीक है, तो इस तरह से लाना पड़ रहा है, ठीक है। पहले तो रस्ते से लाते थे जब स्कूल था, अब आदत भी नहीं है उस रस्ते पे चलने की, तो फिर अब ऐसे ले जाते। नीचे जो नदी दिख रही है ना आपको, ये है भागीरथी नदी, ठीक है दोस्त, और इसी पे डैम बना हुआ है आपका कोटेश्वर डैम,
है ना। और कोटेश्वर डैम से अगर ऊपर हम देखें तो वहाँ पे टीरी डैम, जहाँ पे विलंगना और भागीरथी नदी मिलती है ना। तो मैं मार्केट से जब आया घर 5:30 हो चुकी थी, तब मैंने खाना खाया। मार्केट में कुछ नहीं खाया, मार्केट में तो तुम्हें पता है जब जाते तो कुरकुरे वगैरह खाओ, है ना, वही होता है ना। और बाकी फास्ट फूड वगैरह तो मैं नहीं खाता, बहुत कम चांस है कभी, अगर किसी फ्रेंड ने ज़्यादा फोर्स कर लिया तो उसके साथ खा लेता हूँ, वैसे अदरवाइज मैं फास्ट फूड नहीं खाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है भाई, है ना। टाइम हो चुका है 7:00 यार, 7:00 अभी, उजाला तो बहुत खतरनाक है बाहर अभी, 7:00। तो जब हम पूरे फ्री हैं तो क्यों ना थोड़ा पढ़ाई की जाए, थोड़ा तो हो सकता है बाद में नींद आ जाए जल्दी, है ना। तो अभी से पढ़ाई करते हैं शुरू। तो अभी 7:00 हैं, टारगेट रखते हैं 1:00 तक का, और पढ़ा जा सकता है कि नहीं देखते हैं। वैसे आंखें भी बहुत जलन कर रही, क्योंकि दिन भर पूरा ट्रैवल किया ना, मार्केट गया तो बाइक में हवा लग जाती, गर्म हो जाती आंखें, है ना, तो थकान भी लग रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो टारगेट रहेगा वो 1:00 तक का रहेगा, ठीक है, 1:00 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैंने उत्तराखंड निकाली परीक्षा वाणी, तो पढ़ते हैं दोस्त।